पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन की नीच हरकत सामने आई है। लाहौर कोर्ट ने FIR करने के आदेश दिए हैं आजम बाबर के खिलाफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान करता है लड़कियों का यौन शोषण, पहले करता है शादी का वादा, फिर लड़की को घर से भगाता भी है, किराए के मकान में लड़की को रखता है और उसका यौन शोषण करता रहता है। जब लड़की निकाह के लिए बाबर आजम पर दबाव बनाती है तो कहता है कि अभी तो माली हालत बहुत ज़्यादा खराब है, शादी नहीं कर सकते, क्रिकेट में करियर भी बनाना है। लड़की भी कब तक रहती। बाबर आजम बन गए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन, लेकिन लड़की की बात को टालते रहे। और जब दाल में नमक ज़्यादा हो जाता है तो दाल फेंकनी पड़ती है या फिर कुछ करना पड़ता है, मतलब कि पानी जब सर से ऊपर जाने लगा तो लड़की ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट साद सादिक के ट्विटर हैंडल से इस महिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक वीडियो पोस्ट की गई है। इस वीडियो में महिला बाबर आजम पर उन्हें कोर्ट मैरिज के नाम पर घर से भगाकर शोषण करने और मारपीट करने के भी आरोप लगा रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। मेरे साथ ज्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आजम है, जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है। कि बाबर आजम से मेरा ताल्लुक आज कल से नहीं है, मेरे ताल्लुकात उससे उस वक्त से हैं जब वो क्रिकेट की दुनिया में उसका कोई ताल्लुक नहीं था और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। मेरी रुदात कुछ इस तरह है कि बाबर आजम और मैं, हम एक ही मोहल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे और वो मेरा स्कूल फेलो था। स्कूल की वजह से और एक जगह पर रहने की वजह से हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सन 2010 में ही प्रपोज टू मी और मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रपोजल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था। बाबर ने और मैंने, हम दोनों ने अपनी फैमिलीज को बताया। बाबर और मेरी फैमिलीज, हम दोनों की फैमिलीज ने हमें साफ इनकार कर दिया। फिर बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फैसला कर लिया। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगा कर, मतलब बाबर मुझे खुद अपने घर से भगा कर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पे रखता रहा। महिला ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रतिभाशाली क्रिकेटर के खिलाफ ये गंभीर आरोप लगाए थे। इस महिला ने यह भी कहा था कि मुश्किल वक्त में उन्होंने बाबर की आर्थिक तौर पर मदद भी की थी, यानी रुपए पैसे भी दिए थे जब ये गरीब हुआ करता था। महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि वो और बाबर स्कूल के दोस्त हैं और बाबर ने 2010 में उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया था। महिला ने यह भी कहा कि 26 साल के इस क्रिकेटर ने पुलिस में जाने से पहले उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी कि अगर तुम पुलिस में गई तो तुम्हें जान से मरवा दूंगा। अब लाहौर की एक अदालत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, यानी कि जो वहां के कैप्टन हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, बाबर आजम के खिलाफ यौन शोषण यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत पर FIR करने का आदेश तत्काल प्रभाव से दे दिया है। लाहौर की हामिजा मुख्तार नाम है उस लड़की का, उन्होंने अपने शिकायत में यह आरोप लगाया था कि इस क्रिकेटर ने 10 साल तक उनका यौन शोषण किया है, जबरदस्ती गर्भपात करवाया और उनसे शादी का झूठा वादा किया। याचिकाकर्ता ने सबूतों के तौर पर अपने चिकित्सा दस्तावेज, यानी कि जब गर्भपात करवाने गई थी जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब संलग्न किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नुमान मोहम्मद नईम ने दोनों पक्षों के वकील की जिरह की बात नसीराबाद पुलिस थाने के थानाध्यक्ष को बाबर के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान की एक महिला ने, यानी कि वही महिला, बाबर आजम पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था और इस मामले को कोर्ट में लेकर गई थी। वो महिला ने कोर्ट में यह भी खुलासा किया था कि उन्होंने नसीराबाद पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करवाई है, लेकिन बाद में उन्होंने केस वापस ले लिया था। FIR दर्ज होने के बाद बाबर आजम ने उन्हें फिर से शादी करने का भरोसा दिया था कि अब FIR वापस ले लो, हम शादी कर लेंगे। लेकिन महिला का आरोप है कि जैसे ही आजम बड़े खिलाड़ी बन गए, यानी कैप्टन बन गए, उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंची लेकिन पुलिस ने फिर से केस दर्ज करने से मना कर दिया। कैसे करते भाई, कैप्टन साहब बन गए थे। कुछ वक्त पहले ही बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान का कप्तान बनाया गया है, यानी कि टेस्ट, T20 और वनडे।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बाबर आजम का रुतबा क्या है? अगर ये उदाहरण के लिए अगर हम समझाएं तो जो रुतबा विराट कोहली का है, जो रुतबा और टीम के कैप्टन का है, वही रुतबा इस समय बाबर आजम का है। अब सोचिए, बाबर आजम के पास कभी खाने को नहीं था और आज जब बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन बन चुके हैं तो अब उस लड़की से भला वो निकाह क्यों करेंगे जिससे कभी वो उधार लेते थे, आर्थिक मदद लेते थे। लड़की का नाम हामिजा अंसारी है। तो हामिजा अंसारी कह रही हैं कि जब उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, मतलब कि भूखे नंगे कह सकते हैं हम अपने शब्दों में, जब आजम बाबर भूखे नंगे थे, रहने को ठिकाना नहीं, खाने को मतलब रहने खाने को कोई ठिकाना नहीं था, तब इस लड़की से वो पैसे लिया करते थे और उससे अपना गुजारा बसारा चलता था, गुजर बसर करते थे और ये ज़रूर कहते थे कि शादी मैं तुम्हें से करूँगा। अब ये दोनों लड़की जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है, हामिजा मुख्तारी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे और एक ही मोहल्ले में रहते थे, और एक दिन बाबर आजम पहुंचता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मतलब प्रपोज करता है, वो प्रपोज एक्सेप्ट करती हैं और उसके बाद शादी की बात आती है। दोनों अपने अपने घरों में शादी की बात करते हैं, दोनों के घर वालों शादी से मना कर देते हैं, फिर बाबर आजम इनको भगा ले जाता है और एक किराए के मकान में रख देता है। अब उस किराए के मकान में मतलब लंबे समय तक, 10 साल तक यौन शोषण करता है इस लड़की का, और जब शादी करने की बात आती है तब यही कहता है कि अभी तो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, क्रिकेटर बनना है मुझे, वगैरह वगैरह, और आज जब तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बन चुका है तो लड़की को जान से मरवाने की धमकी दे रहा है। अब ऐसा हम कह सकते हैं जघन्य अपराध करने वाले बाबर आजम को फिलहाल उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कही गई है, क्योंकि पुलिस ने तो साफ तौर से मना कर दिया कि हम FIR नहीं करेंगे। फिर मजबूरी में लाहौर कोर्ट में गई ये महिला और लाहौर की एक अदालत ने ये ज़रूर कहा है कि बाबर आजम के खिलाफ FIR दर्ज करवाया जाए और जो भी मामला है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल देखना होगा, भाई बाबर आजम तो आज बाबर आजम बन चुके हैं उधार के पैसों से। अब देखना है कि इस लड़की से वो शादी करते हैं या फिर क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज़, साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।